गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग मेरा छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि मैं हूँ स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल में। एंड ये आप देख सकते हैं नैनीताल के नज़ारे। आई मीन दिस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो ब्रेथ टेकिंग, आई कॉन्ट टेल यू। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं था, आफ्टरनून का टाइम था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अर्ली मॉर्निंग है, राइट? तो यहाँ का वेदर ही ऐसा है कि हमेशा अर्ली मॉर्निंग वाली फीलिंग आती है, फॉगी और सब कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था। और ये मैं जा रही हूँ जो 360 डिग्री व्यू पॉइंट है इस लोकेशन पे, ये एक साइट सीइंग पॉइंट है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। और मेरा नंबर आने के लिए मैं वेट कर रही थी, तो इसी दौरान मैंने कुछ और पिक्चर्स लिए यहाँ के सुंदर ग्रीनरी का। और मैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं हूँ, एंजॉय कर रही हूँ स्नो व्यू पॉइंट, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बस मैं अपने राइड का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत कम थे, तो एटलीस्ट उनको 11 लोग चाहिए थे। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई टाइम एंड आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न। और यहाँ पे ना 3-4 जगह है स्नो व्यू पॉइंट के अंदर ही, जैसे 360 डिग्री व्यू होता है, जहाँ पे आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं ऊपर से, फिर आप हिमालय दर्शन कर सकते हैं दूर से। वैसे तो मैंने हिमालय बहुत ही क्लोज़ देखा है कश्मीर में। और उसके अलावा आप आसपास के जगहों में आप घूमने जा सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा मार्केट भी है, और जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, यस, बहुत सारे राइड्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मैंने पहन लिया था बहुत ही फंकी से क्लोथ्स जो मैंने दिल्ली से लिए थे, और ठंड थी तो मैंने हाईनेक पहना हुआ था। और बस मैंने सुबह सुबह पराठे और चाय खाए थे, और ये टाइम है अराउंड 12:30 PM। सो गाइस, बस यहाँ से जो मेरा दौर स्टार्ट हुआ है बहुत ही सुंदर था, सच में बहुत सुंदर था नैनीताल। मतलब मैं पहले भी आई थी, लेकिन इस बार जो मैंने एक व्लॉगर के नज़रिए से नैनीताल को देखा, तो रियली मतलब इतनी सारी चीज़ें थी टू व्लॉग एंड यू नो टॉक अबाउट। यहाँ की जो ग्रीनरी है, ये उसी स्नो व्यू पॉइंट के अंदर ही है, बहुत सारी गेम्स ऑप्शंस है, और जो क्लाइमेट है इतना सुहाना था। और कहीं भी जाओ, लाइक मॉल रोड मार्केट, द प्लेसेस यू गो डाउन, बहुत ही सुंदर था, लाइक ऑल हिली एरियाज़। और ऐसी जगह ना इंसान रहता है तो बहुत क्रिएटिव बन जाते हैं, देर इज़ सो मच ऑफ रूम फॉर क्रिएटिविटी, टू थिंक, टू राइट, एंड यू नो टू व्लॉग एंड टू जस्ट बी हैप्पी। आई मीन अगर इंसान के पास बहुत सारे पैसे हो और उसका प्लान हो टू लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ, तो नैनीताल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। और ये रहा हमारा हिमालय दर्शन, जो बहुत दूर से था, ज़्यादा क्लियर तो नहीं था, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ लिए, तो बस यही था हिमालय दर्शन, ये एक अनादर पॉइंट था उसके अंदर। और मैंने कुछ और फोटोग्राफ्स लिए, और अभी भी मेरा टर्न आया नहीं था। सो गाइज, लाइक द एक्सपीरियंस वॉज टेरिफिक। मैंने और कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाए अपने, और बस मेरा जो दिन था, आज मेरा लास्ट डे था नैनीताल में, तो ये साइट सीइंग मुझे पूरा करना था। वैसे तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए आई थी नैनीताल, जो मेरा हो चुका था, एंड उसके बाद जो टाइम बचा था, लाइक एक्स्ट्रा वन डे, दैट आई केप्ट फॉर साइट सीइंग एंड हाफ डे फॉर ट्रैवलिंग टू हरिद्वार। सो ऐसे ऐसे मैंने अपना टाइम निकाला। और खाना जो नैनीताल का है बहुत अच्छा था। बस ये एक अंकल जी थे वहाँ पे, जो गन शूटिंग और बाइनोकुलर से हिमालय देखने का वो पैसे लेते थे, तो मैंने उनसे कुछ सर्विस, मतलब उनसे कोई बाइनोकुलर लेके देखा तो नहीं, ना ही मैंने उन्हें कोई पैसे दिए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती
आई मीन प्यार से ये फोटोग्राफ्स मेरे खींचे, वो भी उनके गॉगल्स के साथ. सो आई वॉज लाइक सो थ्रिल्ड. एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ऐसे लोगों से डर लगता था, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और वो अंकल एंड यू नो ओल्ड मैन, आई मीन आई वॉज नॉट वेरी श्योर. सो लेकिन वो काफ़ी अच्छे थे, हेल्पफुल थे और मेरे ये प्यारे प्यारे फोटोग्राफ्स खींचे. और उसके बाद मैंने थोड़ी सी और वीडियोस बनाई और ये देखो मैं 360 डिग्री व्यू पॉइंट पे आ गई हूँ. दैट इज़ लाइक टॉप ऑफ द नैनीताल, जहाँ से पूरा नैनीताल आपको दिखता है. और ये जो है ना, ये एक टावर जैसा है जिसमें आपको ऊपर लेके चले जाते हैं, लाइक अराउंड 500-600 फीट ऊपर, और वहाँ से आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं. सो पूरा फॉगी फॉगी था. और मैंने उस टावर का भी थोड़ा सा ये वीडियो बनाई, ये कुछ ऐसा था. और वहाँ से आपको 10-15 मिनट का पूरा नैनीताल के दर्शन दिखाते हैं एंड देन आप फोटोग्राफ्स लेके आप सीधे नीचे आ सकते हैं. तो सच में नैनीताल ऊपर से तो और भी सुंदर था. आई मीन इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल एंड रियली उत्तराखंड इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स आई थिंक इन इंडिया फॉर साइट सीइंग एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन. सो गाइज, ये 360 डिग्री व्यू का तो बस देखते ही बनता था. और इसके साथ साथ आप भी थोड़ा मज़े लीजिए और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में. हाँ, अभी अच्छी आई है, पूरा नैनीताल का व्यू दिख रहा है. वो रहा लेक. वाओ, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत पूरा नैनीताल. सो गाइज, इसी के साथ मैंने और सारे पिक्चर्स लिए और बस ये जो कारवा है ये चला ही जा रहा है. वैसे तो नैनीताल में ऑनेस्टली जो साइट सीइंग प्लेसेस है वो 3 दिन में कवर हो जाते हैं मैक्सिमम, बट यहाँ का जो क्लाइमेट है ना बहुत ही अच्छा है. लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और गर्मी होती भी है तो शाम को बिल्कुल फॉगी फॉगी और अच्छा वेदर हो जाता है. सो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही पीसफुल है, लोग इतने खुश है. आई मीन दे आर वेरी लाइक जल्दी लोग फ्री हो जाते हैं जो भी जॉब करते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आई थिंक नहीं है. और बस लोग मस्त मौला होके लेक की सैर कर रहे थे और यू नो कोई ड्राइव पे जा रहा था, कोई नैनीताल से दूसरी जगह पे जा रहा था. तो बस वहाँ से निकलते ही हम लोग आए डायनासोर पार्क में. और ये मैंने ये एक्चुअली नकली डायनासोर है और हमसे इन्होंने 70 रुपीज़ का टिकट लिया था. तो मुझे लगा कि मुझे वैसे लग तो रहा था कि नकली डायनासोर ही होगा, बट सच में मज़ा तो बहुत आया. इट वॉज़ लाइक फन, लाइक बींग अ चाइल्ड आफ्टर सो लॉन्ग. सो बस दोस्तों, इसी के साथ ये डायनो पार्क का जो मेरा जाने का टाइम आ चुका था. और ये है वो छोटा सा मार्केट, बहुत ही छोटा सा था, जो सब स्नो व्यू पॉइंट के अंदर ही था. और उसके बाद मैं निकल पड़ी और भी जो जगह थी स्नो व्यू पॉइंट में, पूरा फॉगी फॉगी वो सब देखने. ये मैं वैसे क्लिक कर रही हूँ, ये तो थोड़ी दूर से अच्छा लग रहा है ना. सो गाइज, ये मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए वही स्नो व्यू पॉइंट में. ये एक पॉइंट है जहाँ से आप बिल्कुल नीचे नैनीताल देख सकते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ जैसे कुछ पुरानी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, तो बहुत ही एक यादगार था. एंड यू कैन ऑल्सो ड्रेस एज अ नैनीताल, यू नो फोक ड्रेस पहन के भी आप खिंचवा सकते थे, जो मैंने नहीं किया बिकॉज मेरा मन नहीं था.
बट इट वॉज़ लॉट ऑफ फन यू नो स्टैंडिंग हियर एंड जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ कॉफ़ी बट आई थिंक टाइम उतना मिला नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा था ये एक्सपीरियंस। और सिंस वहाँ पे बारिश होने लग गई थी तो हमें जल्दी जल्दी सारी जगह देखनी थी 3-4 घंटे के अंदर, ताकि हम बारिश से भी बच जाए, बिकॉज आई वॉज़ डूइंग अ बाइक राइड एंड देन मैं आराम से होटल भी पहुँच के रात को हरिद्वार के लिए निकली। सो ये सब प्लानिंग थी और बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, बट ये वीडियो के लिए मैंने उन लोगों को थोड़ा सा साइड कर दिया था। एंड यहाँ पे फाइनली मैंने कुछ अपने पिक्चर्स और कुछ वीडियोस निकाले एंड देन मैं चल पड़ी मेरे आगे के सफ़र के लिए। सो गाइज बस ऐसे ही मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था, बिकॉज इट वॉज़ लाइक चिलिंग वेदर इन नैनीताल और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जहाँ जहाँ भी। ये वही है, मतलब जहाँ पे मैं अभी खड़ी थी वहाँ से नीचे का व्यू एंड सच में बहुत सुंदर था। लाइक आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ यू नो ब्लैक कॉफ़ी ओवर हियर एंड लाइक सिट फॉर आवर्स एंड डू समथिंग क्रिएटिव और हैव रोमांस एवरीथिंग। लाइक दिस वॉज लाइक टू मच फन, बहुत 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 अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो गाइज आप सब भी कभी अगर नैनीताल आओ तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू एक्सप्लोर एंड यू नो हैव अ गुड टाइम विद फैमिली विद फ्रेंड्स सोलो एनी हाउ। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ थोड़ी देर में, और मिलते हैं आप सबसे वहीं पे। हाय गाइस, सो इसी के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली हूँ, पहुंच गई हूँ, जो है हिमालय दर्शन। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे हिमालय दिख रहा है बट बहुत ही धुंधला धुंधला सा, बिकॉज इट वाज वेरी फॉगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। और ये जो पॉइंट है ना, ये उसी सनसेट स्नो व्यू पार्क में ही है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़े बहुत रील्स बनाए। और यहाँ पे ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं, सॉरी टू फंबल, और जो आपके अच्छे फोटोग्राफ्स भी खींचेंगे एंड दे मेक योर फोटो ऑन रेंट, दैट मीन्स दे विल चार्ज 20 bucks फॉर ईच फोटो। और बहुत ही अच्छा और उम्दा फ़ोटो वो खींचते, तो मैंने अपने 2-3 pictures खिंचवाए थे। वैसे तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और फैशनेबल आउटफिट पहनना चाहिए था, बिकॉज़ ये उतना जच नहीं रहा था, बट ठंडी इतनी थी एंड आई वॉज़ नॉट हैविंग एनी यू नो बेगी जीन्स जो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ, तो जो था मैंने वही पहन लिया। बट बाद में मुझे लगा कि आई शुड हैव वोर समथिंग बेटर। सो बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर एंड आई रियली एन्जॉयड दिस टाइम।
इसके बाद हम जाएंगे एक मिड पॉइंट पे, जहाँ पे आपको नैनीताल पूरा दिखेगा। और एक जो नैनीताल का जो मेन लेक है जो हर जगह बहता रहता है, यू विल सी दैट। सो बेसिकली नैनीताल इज़ लाइक नैना देवी मंदिर, नैना देवी का जगह है, एंड ताल इज़ लेक। सो देर आर वेरियस लेक्स ऑल ओवर नैनीताल, एंड जो आप हर जगह देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो इतने सारे लेक्स नहीं देखे, लेकिन जो दिखा मुझे रास्ते में, मैं वहाँ पे उतरी और मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए। बट वहाँ जाने से पहले मैंने यहाँ के छोटा सा जो मार्केट है वो मुआयना किया। मोस्टली यहाँ पे सजाने वाले आइटम्स थे तो मैंने देखा ही नहीं, मैं थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ टाइम थी और कुछ मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए। और जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी डेस्टिनेशन में मैं पहुँच गई, जो है नैनी लेक। और नीचे ये बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी लोग थे मेरे पीछे जो फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे, उन्हीं से मैंने अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई ताकि थोड़ी अच्छी आए। एंड जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग जो पता नहीं कितना अच्छा बना। और बस इसके बाद मैं निकल पड़ी अपनी बाइक राइड पे टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप सबको कोई भी एडवाइस या टिप्पणी देनी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।